पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। रायपुर में विधानसभा के सामने एससी एसटी वर्ग के युवाओं का नग्न प्रदर्शन देखने को मिला। फर्जी जाति मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर उनका यह प्रदर्शन था, लेकिन जो तरीका था वो बिल्कुल गलत। नग्न प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। रायपुर में विधानसभा के सामने एससी एसटी वर्ग के युवाओं ने नग्न होकर प्रदर्शन किया है। फर्जी जाति मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन था उनका। नग्न प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों पर अब काज गिर सकती है, ऐसी संभावनाएं। तो विधानसभा के सामने ही एससी एसटी वर्ग के युवा नग्न होकर प्रदर्शन कर रहे थे। फर्जी जाति मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर युवाओं का यह प्रदर्शन था, और अब इस प्रदर्शन के बाद प्रशासन और पुलिस अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। आखिर ये हुआ कैसे? तो चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख करेंगे। सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई हैं लाइव। ममता, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। ममता, प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, सबको हक है, लेकिन जिस तरीके से एससी एसटी वर्ग के युवाओं ने प्रदर्शन किया है, कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होंगे। और इस प्रदर्शन के बाद अब खबरें ये भी हैं कि पुलिस अधिकारियों पर, प्रशासन के अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। बिल्कुल, देखिए इस प्रदर्शन को लेकर एसटी एससी वर्ग के जो युवा हैं उन्होंने प्रेस रिलीज बकायदा जारी की थी और इसको लेकर अल्टीमेटम भी दिया हुआ था। कोई भी प्रदर्शन करने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति भी ली जाती है। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर वो अनुमति लेने के लिए गए थे और उन्हें अनुमति नहीं मिली थी तो भी वो जो आवेदन लेकर गए थे उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? विधानसभा का सत्र है, कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, यहां से वीवीआईपी तमाम मूवमेंट होने वाले थे, तो वहां वो पुल के नीचे विधानसभा से थोड़ी दूर पर ही जो है ओवर ब्रिज है जहां पे अमूमन सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं, वहां पर ही युवा इकट्ठे हुए थे, तो उसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया? ये भी सवाल है। और इसी को लेकर ये कहा जा रहा है, चूंकि वीवीआईपी काफिला भी गुजरा था और ये कहा जा रहा है कि वो उसके पीछे भागे भी थे, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो पुलिस अधिकारी है उन पर गाज गिर सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस प्रदर्शन को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। मंत्री श्री डहरिया ने जहां इस प्रदर्शन को अश्लील कहा और उन्होंने कहा कि एक लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का जो है अधिकार है, लेकिन उचित फोरम में ऐसा करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जा रही है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मामला जो है वो कोर्ट में अटका हुआ है और हम लगातार जो है इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि कार्रवाई अगर हम बात करें तो हमने उनसे सवाल भी किया था कि फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर एससी एससी वर्ग के बदले में नौकरी करने वालों पर ऐसा कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक सामने आई नहीं है। हालांकि कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत का कहना था कि जो बैठक पे भी इस बात को रखा गया था और आने वाले समय में उनका कहना है कि इस पर और संज्ञान लिया जाएगा, कुछ मामले कोर्ट में अटके हुए हैं। लेकिन उनका कहना था कि डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये हमेशा पांच साल का राग अलापते हैं और कि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में ऐसा हुआ, लेकिन पांच साल तक यहां पर सरकार जो है वो पांच साल पूरा करने जा रही है, साढ़े चार साल हो गए हैं और अब चुनाव भी आने वाले हैं, तो ऐसे में इन साढ़े चार सालों में कांग्रेस ने क्या किया इसका जवाब देना चाहिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये डॉक्टर रमन सिंह के समय का मामला है और बड़ी मात्रा संख्या में जो है वो इस तरह की भर्तियां हुई थी और उस पर लगातार संज्ञान लिया जा रहा है। तो बहरहाल एक दूसरे पर वार प्रतिवार भी हो रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि ये जो प्रदर्शन हुआ है वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में इस तरह से पहले कभी भी इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। और नॉर्मल कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसके पहले भी संज्ञान लिया जाता है। प्रशासन और पुलिस क्यों जो है इस पूरी प्रेस रिलीज को या उनके अल्टीमेटम को नजरअंदाज करती रही, ये भी एक सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल। ममता, आप ये बता रही हैं कि युवाओं ने पहले प्रेस नोट जारी किया था, अल्टीमेटम दिया था, तो जानना चाहूंगा आपसे कि क्या इस प्रेस नोट में नग्न होकर प्रदर्शन करने की बात युवाओं ने कही थी क्या?
बिल्कुल देखिए, इसमें उन्होंने जो ये जो प्रदर्शन है उसको लेकर उन्होंने सबसे पहली जानकारी यही दी थी। जो प्रेस रिलीज उन्होंने बनाई थी वो प्रेस रिलीज जो है हर जगह उन्होंने वो किया था, और बाकायदा जो है इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये जो प्रेस रिलीज आई हुई थी और डिजिटल तरीके से जो है वो आई हुई थी, और इसमें मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको दिखाए। और इसमें बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ था, यहां से लीजिएगा, यहां से, तो इन्होंने लिखा था कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के युवा करेंगे पूर्ण नगर प्रदर्शन, निर्वस्त्र प्रदर्शन, और छत्तीसगढ़ विधानसभा के सामने 18 जुलाई को 100 से अधिक युवा प्रदर्शन करेंगे। बाकायदा उन्होंने इस मामले को लेकर जो ये बताया था कि किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर हो रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि इसके पहले जो है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के युवाओं ने पहले भी मोर्चा खोला था, प्रदर्शन के दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ी थी, और उसके बाद जो है वो आमरण अनशन को स्थगित करना पड़ा था, और ऐसे इसके बाद अब उन्होंने जो है अब ये वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि हम निर्वस्त्र प्रदर्शन करेंगे, और उन्होंने बाकायदा जगह लिखी थी। ममता, मैं आपके पास लौटूंगा, बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस पर वो हम जान लेते हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मलाल कौशिक जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा इस प्रदर्शन पर। जी से जी, जो प्रदर्शन हुआ है और जो मांगे हैं, तो निश्चित रूप से आज उनके जायज मांगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को जी। और बहुत समय से ये बात चल रही है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र लेकर के लोग नौकरी कर रहे हैं, उनका जो अधिकार है छीनने का काम किया गया है, और जो अधिकार के साथ में उनको आज वो नौकरी में रहते हैं तो उनको वंचित करने का काम किया गया है। इसलिए सरकार को तुरंत उस पर अमल करना चाहिए, और जो मांगे हैं पूरे विचार के साथ में, जो भी फर्जियां डिग्री लेकर के फर्जियां जाति प्रमाण पत्र लेकर के नौकरी कर रहे हैं उनकी बर्खास्तगी तत्काल करनी चाहिए। जी जी, धर्मलाल कौशिक जी, जिस तरीके से एससी एसटी वर्ग के युवाओं ने प्रदर्शन किया है, क्या इस वर्ग को बीजेपी का साथ मिलेगा? निश्चित रूप से हम हमेशा साथ में रहे हैं और साथ में रहेंगे जी, क्योंकि सभी को लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, किसी का अधिकारों के ऊपर कोई कुठाराघात ना हो, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और इसलिए आप देखे हैं कि जब हम लोग सरकार में रहे तो पहले बार 32% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एसटी को दिया गया, और उसके साथ में पिछड़ा वर्ग एससी वर्ग सभी को जो आरक्षण दिया गया था, लेकिन उसके बाद में उसका जिस प्रकार से अभी सरकार चल रही है और जो मुद्दे उठाए हैं, तो मुझे लगता है कि उनका अधिकार है, उनको अधिकार का हक मिले। बिल्कुल धर्मलाल कौशिक जी, छत्तीसगढ़ में पहली बार शायद ऐसा प्रदर्शन हुआ हो कि पूर्ण नग्न होकर युवाओं ने प्रदर्शन किया है, लेकिन कांग्रेस आरोप बीजेपी पर यह लगाती है कि आपने क्या किया है एससी एसटी वर्ग के लिए। देखिए, हम लोग जब सरकार में थे, छानबीन कमेटी के द्वारा बहुत सारी जो बातें आई है और उसके आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई हुई है जी। जब कोई बात उठाते हैं कोई सुनवाई नहीं होती जी। जब अति का पराकाष्ठा हो जाता है तो इस प्रकार के प्रदर्शन किए जाते हैं जी। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। कांग्रेस नेता अजय लाल साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है अजय लाल साहू जी। साहू जी, क्या कुछ कहेंगे आप? पहले ही प्रेस नोट जारी कर इस बात की जानकारी युवाओं ने दी थी, उसमें जिक्र था साफ तौर पे कि नग्न होकर प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन शायद प्रशासन ने पुलिस ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अजय लाल साहू जी, मेरा नाम अजय लाल साहू जी। अब आते हैं इस प्रदर्शन पे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर 15 वर्षों तक रही, लगातार शिकायतें होती रही, लोग मंत्रालयों तक में नौकरी फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर कर रहे हैं, ये तो लोगों की बात हो गई। इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के पास भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र था। लगातार 15 वर्षों तक जिस मुद्दे को लेकर के, जिस पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकारें बनाती रही और कहती रही कि ये नकली फर्जी आदिवासी है, इस परिवार ने आदिवासियों का हक मारा है। लेकिन सरकार बनने के बाद में चूंकि डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ उनकी साठगांठ हो जाती है और वो उनके साथ जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज होकर के खेल खेलते हैं, तो जो सरकार 15 वर्षों में पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के फर्जी जाति प्रमाण पत्र का निराकरण नहीं कराती है, उस सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे आप?
कि जो बाकी दीगर लोग जो है, जो आप लोग हैं जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करके नौकरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं हुई। हमने तब भी शिकायत की थी, हमने आज भी चेक नहीं करके ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके एक सूची बनाने का काम किया है जिसमें हजारों ऐसे लोग हैं। और आज का जो प्रदर्शन हुआ है, निश्चित तौर पर यह बहुत ही शर्मनाक है, ऐसे प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। प्रशासन के संज्ञान में आया है मामला, हम शीघ्र ही ऐसे लोग जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र। ठीक है अजय साहू जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। धर्मलाल कौशिक जी, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ममता।